सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पूजा करिए इसमें। गाइस ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये देखो भोग लगा लिया, ये देखो मखाने खा रहे हैं कान्हा जी। सो गाइस मेरी पूजा भी हो गई है और इधर स्नो मैम सो रही हैं अपना, वो भी खाना खा के सोई हुई है। ये देखो पूरा गहरी नींद में सोई हुई है, ये देखो अपना खाना खा के आराम से मैडम जी पूरा इधर सोई पड़ी हैं। सो गाइस मैंने इसको इसलिए बांध दिया था क्योंकि ये मुझे झाड़ू पोछा कुछ नहीं करने देती, झाड़ू खींचेगी कभी पोछा खींचेगी वो, ये थोड़ा सा फिर ये सो गई अपना रिलैक्स होके अपना आराम से। तो चलिए अपना मेरा काम किचन का हो चुका है सारा। तो सो गाइस इधर मैंने ये धनिया रखा हुआ है, देखो थोड़ा सा धनिया मैंने ये पीस दिया था तो इसमें क्या पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ पता नहीं, ये देखो छोटे छोटे से ये हैं, इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि निकल जाएगा कुछ नहीं। चलिए ये डब्बा मैंने इसलिए बाहर निकाल के रखा हुआ है। और चलिए अपना मखाने भी हो चुके हैं मेरे ऑल ओवर, देखिए तो ये बंद हो गई। चलो सो गाइस चलिए अपना आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो आज मैं यही खाऊंगी अपने मखाने। चलिए थोड़े से गर्म है तो इसमें कर लेते हैं। और गुन्नू जब स्कूल से आएगी तो उसके लिए मैं फ्राई कर दूंगी, जब वो आएगी तो मैं थोड़े से चिकन खाऊंगी, थोड़े से खाऊंगी। और ये मैंने रख दिए थोड़ा। चलिए अपना दूध ले लेते हैं। सो गाइस मैंने फीका दूध लिया है क्योंकि चाय पीने की इच्छा नहीं थी, उमी जी ऑफिस गए उनके साथ ही अच्छा लगता है चाय पीना, तो ये घटाघट एक घोट में मैं ये दूध पीती नहीं हूँ, मगर थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाएगी तो इसलिए मुझे लेना पड़ेगा दूध, कुछ थोड़ा सा हो जाएगा अपना मीठा मीठा, नहीं तो फास्ट वाले दिन तो मीठा खाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। चलिए अपना पटरी ले लेते हैं। सारे मखाने देखो पूरे बिखर रहे हैं। चलिए सो गाइस उठाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो सारा काम खराब हो रहा है मेरा, इधर मैं दूध रख के गई थी ये दूध भी निकल गया, सारा दूध निकल गया, क्या करूं आज मैं। ये देखो मैं मखाने उधर उठा रही थी, इधर दूध की आवाज आई, जल्दी से भाग के आई, गैस बंद करी, सारा दूध निकल गया मेरा। ये देखो पूरा नीचे गैस के नीचे भी है उधर साइड में, और इधर ये मेरे मखाने नीचे पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं। सो गाइस ये देखिए काम करके मैंने सोचा था आराम से बैठूंगी, क्या करूं। और ये देखो एक मखाना तो मेरे पैर से पिच भी गया। अब ये स्नो को खिलाऊंगे, स्नो को खाएंगे। स्नो लो कैच करो, कैच करो, कैच करो, खा लो। देखो खेलेगी पहले तो वो मैडम, इधर भी अभी इधर आई है, देखो अच्छा इधर भी है। अरे थक गई मैं, इसको खिसकाते खिसकाते इस पे बैठी हूँ, सुबह इसमें टेबल पर, स्टूल पर टेबल बोल रही हूँ, फिर क्या क्या करूँ, घुस के अंदर बड़े हुए। चलिए सो गाइस इनको उठा के रखते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं करती मैं। इसका स्टाइल देख सोने का चुप 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 चुप।
सो गई उन्हों कभी 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 ऐसे स्नो स्नो वो तो गहरी नींद में सो गई स्नो स्नो गाइस देखो स्नो कैसे सो रही है, गुन्नू के पीछे बैठी हुई है। ये देखो कैसे सो रहा था अभी। और ये देखो ये सोफा भी इसने काट दिया है, सोफा नहीं ये टेबल इसने काटा है, यहाँ पे टेप लगा दी हमने, उधर से पूरा काट दिया। देखो वो कोना, वो देखो ये देखो ये पूरा कोना काट दिया है। ये देखिए इसकी भी बारी थी, अब देख रही है कहाँ सो रहा था। ऐसे कुछ की शो गया बाबू सुना। ओ सो जाओ सो जाओ, सो गई, डोंट डिस्टर्ब। तो गाइस आज है हम सभी का फास्ट, तो आज मतलब मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी कुटू की पकौड़ी, क्योंकि मीठा व्रत तो रहा नहीं जाएगा। तो ये देखिए चटनी, और चटनी के लिए ये मैं तोड़ रही हूँ, ये देखो अपने गार्डन से। क्या है ये आप बताइए। तो गाइस बताओ क्या है ये, देखो ध्यान से, ये है पुदीना पुदीना पुदीना। तो सो गाइस इसकी चटनी बनाऊंगी मैं, बस टमाटर और हरी मिर्च डालूंगी, और बहुत टेस्ट आता है कुटू की पकौड़ियों के साथ। तो उमी जी भी आने वाले हैं, उनको भी भूख लग रही होगी, तो मैं उससे पहले सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ आज चटनी, ये देखिए। सो गाइस अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी मैंने, सारे पत्ते तोड़ दिए थे, फिर दोबारा से देखो जितने तोड़ो उससे ज़्यादा आ जाते हैं। ये देखो कितने हो गए, ये देखो इसके अंदर इतने रहना भी। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये तोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये देखो ये बड़े बड़े है ना, इनको तोड़ती हूँ। तो गाइस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी, बहुत ज़्यादा बढ़िया खुशबू, एकदम जलजीरे जैसी, जैसे जलजीरा पीते हैं ना ठंडा ठंडा, सेम वैसे ही। देखो इतना सारा हो गया, और अभी देखो है यहाँ पर, ये देखो एकदम ग्रीन है बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती है पुदीने की चटनी। मतलब थोड़ा ही डालो, वैसे ज़्यादा डाल के तो कड़वा हो जाती है चटनी एकदम, तो इसीलिए मैं थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। चलिए ये कुछ लीव्स मैंने तोड़ ली हैं पुदीने की, और आज का वेदर देखिए कैसा है। ये देखो गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, पेड़ भी देखो सूख गया है। और इधर ये देखो, चलिए सो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और अपना काम स्टार्ट करते हैं किचन में। अभी मेरे डांस के बच्चे गए थे, तो चलिए बंद करो। सो गाइज ये देखिए अब मैं लाती हूँ फ्रिज से टमाटर, पहले तो इसे अच्छी तरीके से वॉश करूंगी, मैं धोऊंगी इसको। यार ब्लर क्यों हो रहा है, अब ठीक है। ये देखो अच्छे से धोऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। देखो और स्नो भी ये देखो सूंघ रही है, कैसी खुशबू आ रही। इस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।